फ्रेंड्स, हमारे चैनल डेली हेल्थ टिप्स पे आपका स्वागत है। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकॉन को क्लिक कर दें ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिल सकें। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी पतले बालों को घना और मोटा करने के लिए 10 आसान घरेलू उपाय। दोस्तों, आजकल लोगों के बाल ना सिर्फ झड़ते हैं बल्कि पतले भी होने लग गए हैं। बाल झड़ने, टूटने और डैंड्रफ जैसी परेशानियों के अलावा भी बालों से जुड़ी एक और परेशानी है जिससे बहुत से लोग परेशान हैं और वो है बालों का पतला होना। जी हाँ दोस्तों, बाल पतले होने पर कोई भी हेयर स्टाइल फेस को सूट नहीं करता है। महिलाओं का सर का ताज है केश, यानी कि बाल। जी हाँ, घने, मुलायम, चमकीले और लहराते बाल हो तो अदा कुछ और होती हैं। लेकिन दोस्तों, बालों का झड़ना आम समस्या हो गई है, नतीजा बाल पतले होने लगे हैं। वैसे कई बार तो समस्या गंजेपन तक पहुंच जाती है। दोस्तों, आजकल बहुत से बाजारी प्रोडक्ट बहुत से लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये बाजारी प्रोडक्ट आपके बालों को ज़्यादा फायदा ना देते हुए नुकसान ज़रूर कर देते हैं। जी हाँ, इसीलिए बेहतर है कि बालों को काला घना करने के लिए आप घरेलू उपायों को आजमाएं। इनसे ना ही आपको कोई साइड इफ़ेक्ट होगा और ना ही ज़्यादा खर्च लगेगा। दोस्तों, अगर आपको अपने पतले हुए बालों को मोटा और घना करना है और उन्हें अगली बार टूटने से बचाना है तो आपको कुछ बहुत ही आसान से घरेलू उपाय करने होंगे। आइए जानते हैं ऐसे कौन से घरेलू उपाय हैं जिनकी मदद से आप अपने पतले बालों को मोटा और घना बना सकते हैं। सबसे पहला है मेथी दाना। दोस्तों, बालों की समस्याओं के उपचार में मेथी दाना का प्रयोग करना उत्तम उपाय है। जी हाँ दोस्तों, थिन हेयर्स यानी कि पतले हेयर्स को थिक करने और बालों की जड़ों को मजबूत बनाने के लिए आप 2 चम्मच नारियल के तेल में 1 चम्मच मेथी के पेस्ट में मिलाकर बालों पर लगाइए और आधे घंटे बाद सिर को धो लें। इस घरेलू उपाय को 30 दिन करने से बाल घने होने लगते हैं। दूसरा है आंवला का उपाय। दोस्तों, आंवले का प्रयोग हेयर्स को हेल्दी बनाए रखने में काफ़ी उपयोगी है। इसके अलावा बालों को मोटे, लंबे, घने और काले बनाने के लिए आंवला और नींबू का रस मिलाकर बालों पर लगाइए। इसके लिए आप 2 चम्मच आंवले के रस में 2 चम्मच नींबू का रस मिलाकर सिर पर लगाएं और सूखने पर हल्के गुनगुने पानी से इसे धो लें। दोस्तों, आंवले में विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होता है, इसीलिए आंवले का सेवन करने से भी आपको काफ़ी फायदा होगा। दोस्तों, सीजन में फ्रेश आंवला जूस पिएं, आंवले का मुरब्बा या फिर अचार बना के रखें और हर रोज 1 चम्मच आंवले का मुरब्बा खाएं। तीसरा उपाय है प्याज का रस। प्याज के रस में सल्फर बेस्ड कंपाउंड्स है, साथ ही एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल तत्व है और ऐसे न्यूट्रिएंट्स है जो कि दरअसल नए बाल का निर्माण करते हैं और बाल का तेजी से विकास भी होता है। दोस्तों, प्याज का उपयोग इस प्रकार करें। इसके लिए आप 2 से 3 मीडियम साइज प्याज को काटें और इसको मिक्सर में पानी के साथ मिलाकर इसे पीस लीजिए। प्याज को मिक्सर में पीसने के बाद आपको एक पेस्ट नज़र आएगा। अब इस पेस्ट को थोड़ी देर के लिए जार में ही रहने दें ताकि सॉलिड मटेरियल नीचे बैठ जाए। ऊपर का लिक्विड कपड़े से छान लें। दोस्तों, हो सके तो आप इसमें मुट्ठी भर कड़ी पत्ते भी मिला सकते हैं। दोस्तों, अब इस प्याज के जूस को अब अपने उंगलियों की मदद से अपने बालों पर लगाएं और 30 मिनट के लिए ऐसे ही रहने दें। समय समाप्त हो जाने पर आप अपने बालों को धो लीजिए। इसके कुछ ही दिनों के इस्तेमाल में आपको अपने बालों में फ़र्क नज़र आएगा। दोस्तों, चौथा उपाय है अंडा और हिना पाउडर। दोस्तों, हिना पाउडर भी बालों को मोटा, नरम और टूटने से बचाता है। ये बालों की कोमलता को भी बढ़ावा देता है जिससे कि बाल मुलायम और चमकदार रहते हैं। दोस्तों, इसके लिए ताज़ा हिना की पत्तियों को पीसकर उसमें थोड़ा सा पानी मिलाकर पेस्ट बनाएं। 2 से 3 घंटे के लिए अच्छी तरह से भीग जाने के बाद अपने बालों पर इसे लगाएं। इसे अपने बालों पर लगाने के बाद आप अपने बालों पर शावर कैप पहन लें। सूखने के बाद अच्छी तरह से इसे धो लें। इसके अलावा दोस्तों, आप हिना पाउडर में पर्याप्त मात्रा में पानी मिलाकर गाढ़ा पेस्ट बना लें। सादे पानी की बजाय आप ग्रीन टी का भी उपयोग कर सकते हैं। इस मिक्सर को रात भर के लिए अलग से रखें और दूसरे दिन कच्चा अंडा और नींबू का रस को इसमें मिलाएं और बालों पर लगाएं। सूख जाने बाद साफ पानी से धो लीजिए। कुछ ही समय बाद आपको बालों में फ़र्क नज़र आने लगेगा, यानी कि आपके पतले हुए बाल मोटे होने लगेंगे। पांचवा उपाय है गुड़हल के फूल।
गुड़हल के फूल भी पतले बालों को घना बनाने में बहुत ही मददगार होते हैं। जी हाँ दोस्तों, गुड़हल के फूलों में आयरन, फॉस्फरस, कैल्शियम, राइबोफ्लेविन, थायामिन, नियासिन व विटामिन सी पाया जाता है। आपको अगर पतले बालों की समस्या है तो आप गुड़हल के ताज़े फूलों के रस में जैतून का तेल बराबर मिलाकर आग पर पकाएं। जब पानी बिल्कुल सूख जाए तो इसे शीशी में भरकर रख लें। दोस्तों, रोज़ाना नहाने के बाद इस तेल को आप अपने बालों की जड़ों में अच्छे से लगाकर मालिश करें। इससे बाल चमकीले होकर लंबे हो जाते हैं और साथ ही घने होते हैं। छठवां उपाय है एलोवेरा। दोस्तों, मोटे और लंबे बाल का आनंद लेने के लिए एलोवेरा बहुत ही फायदेमंद है। इसकी मॉइस्चराइजिंग गुणवत्ता के लिए ये बहुत ही मशहूर है। इसके लिए आप एक या फिर दो एलोवेरा के पत्तों से जेल निकालें और जेल को अपने सिर पर लगाएं। 30 मिनट सूखने के बाद आप अपने बालों को गुनगुने पानी से अच्छी तरह से धो लीजिए। नियमित रूप से सप्ताह में एक या फिर दो बार इसका प्रयोग ज़रूर करें। इसके कुछ ही दिनों के इस्तेमाल से आपके पतले हुए बाल मोटे हो जाएंगे। सातवां उपाय है कैस्टर ऑयल। दोस्तों, सिर पर कैस्टर ऑयल और नारियल का तेल मिलाकर 10 मिनट के लिए मसाज कीजिए। इसके 2 घंटे बाद अपने सिर को शैम्पू से धो लीजिए। इसके इस्तेमाल से कुछ ही दिनों में आपके बाल मोटे हो जाएंगे। आठवां उपाय है आलू का जूस। दोस्तों, ये बालों को घना लंबा करने का घरेलू नुस्खा ज़्यादा लोगों को पता नहीं है, यानी कि ज़्यादा लोग इसे जानते नहीं हैं, लेकिन आलू विटामिन ए, बी और सी का एक बहुत ही अच्छा स्रोत है, जो कि हमारे बालों को मोटा और जल्दी बढ़ाने यानी कि हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ही लाभकारी है। जिन लड़कियों के बाल पतले और हल्के हैं, उन्हें ये उपाय ज़रूर करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आलू का छिलका उतार कर उसे छोटे टुकड़ों में काट लें। अब इन टुकड़ों को आप मिक्सर ग्राइंडर में डालकर उसका जूस निकाल लें। इस आलू के रस को अपने बालों में अच्छे से लगाकर 15 से 20 मिनट तक छोड़कर इसके बाद गुनगुने पानी और शैम्पू से अपने बालों को धो लें। दोस्तों, आप इस नुस्खे को हफ्ते में 3 से 4 बार ज़रूर करें। इससे आपके पतले हुए बाल मोटे हो जाएंगे। दोस्तों, पतले बालों को मोटा और घना करने के लिए ज़रूरी टिप्स। बाल कभी भी टाइट ना बांधें। मोटे दांत वाली कंघी प्रयोग करें। गीले बालों पर कंघी का प्रयोग ना करें। हेयर ड्रायर का इस्तेमाल करने से बचें। बालों को बार बार कलर करवाने से भी बचें। दोस्तों, इसके अलावा हेयर जेल या फिर किसी कॉस्मेटिक ब्यूटी हेयर प्रोडक्ट के प्रयोग से बचें। दोस्तों, अच्छा और स्वस्थ आहार खाएं, यानी कि ऐसे आहार खाइए जिनमें बहुत सारा विटामिन, ओमेगा 3 फैटी एसिड, बायोटीन और कैल्शियम हो। ये सभी ऐसे पोषक तत्व है जो कि बालों की ग्रोथ के साथ साथ उसे मोटा होने में भी मदद करेंगे। तो दोस्तों, आपने जान लिए है पतले बालों को घना और मोटा करने के घरेलू उपाय। आप इन उपायों को ज़रूर ट्राई करें और अपने बालों को मोटा बनाएं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, साथ ही इस वीडियो को सोशल मीडिया पर भी शेयर करें। आपको और भी हेल्थ रिलेटेड और हेल्दी रिलेशनशिप टिप्स चाहिए तो आप हमारे वेबसाइट mydailyhealthtips.in पर विजिट करिए। वेबसाइट की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी जा रही है। फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसी तरह के और भी अच्छे अच्छे बेनिफिशियल वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आती रहूँगी। तब तक के लिए टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू, बाय।